नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। मेरा नाम है संजय नेगी, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद संजय। अभी मैं देवलगढ़ से थोड़ा आगे भटोली के पास में हूँ और ये आपको चौरास का और श्रीनगर का हल्का नज़ारा दिखता हुआ यहाँ से। मौसम आज बहुत ही प्यारा है। आज 25 मई 2022 का दिन, वीडियो शायद ये आपको थोड़ा लेट मिलेगा, एक या दो हफ्ते बाद। अभी मैं बुगाणी से ऊपर आ चुका हूँ और खिड़की की ओर जा रहा हूँ। यहाँ से देखिए सुंदर नज़ारा। आज धूप खिली हुई है, बहुत अच्छा मौसम आज है। कल 24 को और परसों 23 को अच्छी बारिश हुई है उत्तराखंड में, जिस वजह से आपको क्लियर दिख रही होंगी सारी चीज़ें। पॉल्यूशन लेवल काफ़ी नीचे चला गया है उत्तराखंड का भी। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि शायद वो सामने आपको चौखंबा पर्वत दिखाई दे रहा है या नहीं, बादलों के बीच में। मुझे लगा शायद आज बादल नहीं होंगे, पर जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसके ऊपर बादल है, जिस वजह से हिमालय पर्वत श्रेणी साफ नहीं दिखाई दे रही है। वरना यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है, एक पौड़ी से भी बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है। अगर मैं कहूँ बिना कैमरे के देखने के लिए, तो यहाँ से मुझे तो काफ़ी हद तक चौखंबा पर्वत और हिमालय पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, वो दूर पहाड़ों में। पर आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आपको इस कैमरे से कितना क्लियर व्यू आ रहा होगा। देख सकते हो आप बाहर का नज़ारा। मौसम कहीं पे धूप है, कहीं पे छांव वाला हिसाब किताब है। यहाँ पे भी पेड़ों से नहीं, बादल से, क्योंकि सुबह तक तो मौसम काफ़ी धूप वाला था। अभी जो है मौसम हल्का हल्का बारिश वाला हो गया है, बादल आ चुके हैं कहीं कहीं पे, तो प्रॉपर धूप नहीं है पूरे एरिया में और हवाएं बहुत ठंडी हैं। सामने ये पौड़ी है, पौड़ी गढ़वाल, और अभी मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, बादल आ चुके हैं। सुबह तक मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया मौसम था, धूप अच्छी खिली हुई थी, तो मुझे लगा शायद मुझे एक अच्छा व्यू आज मिल जाएगा, पर ये मौसम भी अच्छा है। हाँ, जो दूर की चीज़ें हैं वो इस मौसम में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं सोच रहा था कि मैं पौड़ी से एक स्पॉट है जहाँ से पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखती है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो व्यू इस टाइम मिल पाएगा, क्योंकि हिमालय की तरफ काफ़ी बादल है। मैं कोशिश करूँगा फिर भी एक बार जाके ज़रूर आप लोगों को वो व्यू दिखाऊं और जितना भी उसमें कैप्चर हो पाएगा। यहाँ से हम अगर आगे चले जाते हैं तो हम लोग बुआखाल पहुँच जाएंगे, जो पौड़ी और सतपुली के बीच में है। बेसिकली हमें बुआखाल से अगर हम राइट होते हैं तो पौड़ी जाएंगे और अगर लेफ्ट होते हैं तो हम सतपुली जाएंगे। तो पौड़ी जाने का फिर प्लान अभी कैंसिल हो गया है, क्योंकि व्यू नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, सामने आपको पहाड़ी दिख रही होगी। जो बादल आपको दिख रहे हैं, तो बादल के साथ साथ हिमालय पर्वत भी है, तो क्लियर नहीं आ पा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा इस सीन को। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा रूट चेंज किया जाए। मैं इस रूट से जाने की सोच रहा हूँ, ये जाएगा आपका पावों, ज्वालपा देवी, पाताल, पातल, सतपुली, सीकुखाल और पोखरी खाल। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और ज्वालपा देवी पे जो रूट मिलता है वहाँ पे ये रूट को मैं एनएच मेरठ वाले एनएच को मैं टच करूँगा। तो इस रूट से मैं अभी जा रहा हूँ।
यहाँ से ये नज़ारे आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ से बढ़िया बढ़िया नज़ारे होंगे। ये एक अलग रूट है जिसमें मैं पहली बार जा रहा हूँ, उम्मीद है सफ़र अच्छा रहेगा। यह मुझे एक प्यारा सा व्यू दिखा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर लूँ। बहुत ही प्यारा गांव, बिल्कुल घाटी के बीच बसा हुआ, और खेत भी काफ़ी सारे खेत हैं यहाँ पे। इस रूट पे आके मुझे ये लग रहा है कि मैंने गलती की है, जो मैं कार से आया हूँ, मुझे बाइक से आना चाहिए था, क्योंकि कार में मैं चलते चलते वीडियो बना नहीं सकता हूँ, और बाइक में मैं अपना कैमरा हेलमेट में माउंट करके आराम से वीडियो को शूट कर पाता। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारी रोड है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतना अच्छा व्यू मुझे मिलेगा, अल्टीमेट जगह है। यहाँ पे गांव के जो यूथ होंगे, युवा, उन्होंने ये बना रखा है। बेसिकली जो गांव से है और जो गांव में आता जाता रहता है, उसको पता होगा कि पहाड़ के लड़के ज़्यादातर फौज पुलिस वगैरह में ही जाते हैं, तो ये इन्होंने चिनअप के लिए यहाँ पे बना रखा है। जो आसपास के गांव के लड़के हैं वो यहाँ तक दौड़ने आते होंगे और उसके बाद यहाँ पे चिनअप वगैरह लगाते होंगे। सोचिए कितना उनको अच्छा लगता होगा यहाँ पे सुबह सुबह इतनी खूबसूरत वादी में, और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अभी पीछे गांव था सीकू, सीकू से थोड़ा सा आगे जाके ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये जो पीछे घर दिख रहे हैं ये सीकू गांव के हैं। एक और प्यारा सा गांव इस रूट पे, मुझे लगता है आज मुझे कोटद्वार पहुंचने में 7-8 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे व्यू हैं इस रूट पे कि मुझे रुक रुक के वीडियो शूट करना पड़ रहा है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं स्किप करूं। बहुत ही प्यारा व्यू, पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, और बड़े से मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गांव हैं इस पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और गांव भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। जैसे आप देख सकते हो नॉर्मली पहाड़ों में छोटे गांव होते हैं 25-30 परिवार के, पर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 500-600 परिवार के भी गाँव हैं। बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू। मैं मुश्किल से अभी 500 मीटर भी नहीं आया हूँ, और एक दूसरी लोकेशन देखी आप। मैं बता रहा हूँ कि मैं बाइक पे आता तो शायद कुछ और ही मज़ा होता और ही अच्छी वीडियो बनती। मैं जल्दी यहाँ का एक बाइक टूर करूँगा, उससे फिर मैं आप लोगों को पूरा ये नज़ारा दिखाऊँगा बढ़िया तरीके से, पूरी रोड वगैरह, जो नियरेस्ट गाँव आएंगे, क्योंकि गाँव के तो नाम जैसे पता लग रहे हैं, तो तब तक मैं वो एरिया क्रॉस कर जा रहा हूँ। अल्टीमेट जगह, अल्टीमेट जगह। ये वो रास्ता जहाँ से मैं आया हूँ, बीच में मुझे और भी प्यारी लोकेशन मिली थी, पर मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जब बाइक से आऊँ तब उस वीडियो को बनाऊँ, वो लोकेशन तब मैं कैप्चर करूँ। अभी मैं ज्वालपा देवी के पास में जो रूट मिलता है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। इसके बाद मैं मेरठ वाले हाईवे पर आ जाऊँगा, पौड़ी मेरठ हाईवे पे। तो आप देख सकते हो कोटद्वार यहाँ से 74 है, सतपुरी 18, ज्वालपा देवी 1 किलोमीटर है, पौड़ी यहाँ से 45 किलोमीटर। यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो हम लोग पौड़ी के लिए जाएंगे, और लेफ्ट
ज्वालपा देवी के लिए कोटद्वार के लिए। यहाँ नीचे है ज्वालपा देवी का मंदिर, वहाँ शायद यज्ञ चल रहा है, कुछ पूजा चल रही है। और एक पुल बना हुआ है यहाँ पे, अभी मैं दुगड्डा से लगभग 10 किलोमीटर पीछे हूँ। ये मुझे खूबसूरत सा नज़ारा दिखा तो मैंने सोचा ये भी कवर कर लिया जाए। यह मैं वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं कोटद्वार की तरफ आया था तो सोचा मैंने कि कुछ क्लिप्स बना ली जाए जो मैं कार से बना सकता था वो वाली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।